जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, तस्वीर सामने आई, किसी को आप पहचानते हैं सागर के मैं दोस्त के नहीं तौर पे? पहचानता, अगर पहचानता तो मैं तुरंत बताता, क्योंकि मेरे घर का बेटा है। हम तो चाहेंगे कि ऐसा था भी नहीं, कोई कह भी नहीं सकता ऐसे, बचपन से यहीं था। हम लोग बहुत छोटे तबके के हैं, गरीब आदमी। अब हम तो काम करने भी नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे सांस के मरीज हैं। कल रात में तो हमने सुई हुई लगवाई है, माता पिता को इतना पूछा है सवाल, इसीलिए हमने दरवाजा खोल लिया। बहुत बूढ़े हमारे माता पिता। पुलिस ने भी आप लोगों से पूछताछ की है घंटों, क्या क्या सवाल थे पुलिस के आप लोगों से? बस जो आप लोग पूछ रहे। सागर किस यहाँ कौन सा काम कर रहा था? ई रिक्शा के बारे में पता लगा कि चलाता था वो, जी कितने दिन से चला रहा था ई रिक्शा? देखिए परिवार के लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी हम समझ सकते हैं। मामा इस समय भावुक हो गए हैं क्योंकि कल से ये सवालों के जवाब दे रहे हैं, और किसी भी परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है। विशाल बात कर रहे थे सागर के रिश्तेदार से, और वो जाहिर है कोई भी परिवार परेशान होगा। तो इनको देखकर तो यही लगा कि इनको कोई अंदाज़ा नहीं था विशाल कि आखिर ये सागर क्या करने जा रहा है। लेकिन बड़ा ही साधारण परिवार ये दिखाई दिया। इनके बीच में रहते हुए सागर के दिमाग में ये कुछ चल रहा था, कभी किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। सौरभ यही वो सवाल है जिसको कि तलाशने के लिए यूपी एटीएस, यूपी की लोकल पुलिस, एलआईयू सभी लगी हुई हैं, और सभी ने कल पूरी रात जाकर के सागर के परिवार को इंट्रोगेट किया है, क्वेश्चनिंग की है कि किन किन लोगों से सागर संपर्क पर था, किस तरीके से बातचीत करता था। और जब हमने परिवार से पूछा कि जिन लोगों को आपने टीवी पे देखा है, जिन लोगों को आपने फोटोज में देखा है, क्या किसी को भी आप पहचानते हैं, कोई सागर से मिलने कभी लखनऊ आया था, या सागर कभी बताता हो कि ये लोग मेरे दोस्त हैं जिनको कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो परिवार का कहना था कि हम किसी को भी नहीं जानते हैं। ई रिक्शा चलाता था सागर, पिछले 6 महीने से लखनऊ में था, 1.5 साल पहले वो बैंगलोर गया था, और लगभग 2 साल का जो वक्त है वो बैंगलोर में गुजार के आया था। मैसूर भी जाता था, दोस्तों से मिलने की बात कहता था, भगत सिंह की आइडियोलॉजी से प्रभावित था, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिखता था, एंटी गवर्नमेंट पोस्ट करता था, और उसके जो करीबी दोस्त हैं उनका कहना है कि वो हमेशा भगत सिंह की बात करता था, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। लेकिन जो मोहल्ले में सौरभ उसकी इमेज है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के लड़के की है, जो कि बच्चों के साथ खेलता था, लूडो खेलता था, और एक सामान्य जीवन जी करके अपने परिवार को चला रहा था। लेकिन किस तरीके से वो संसद भवन पहुंच गया, किस तरीके से उसने लोगों से बातचीत की, और अगर वो रेडिकलाइज्ड हुआ या फिर किसी ने उसको मोटिवेट किया, तो इसी तरीके के आरोप जो उसके परिवार के लोग हैं वो लगा रहे हैं सौरभ। लेकिन एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बाकी सभी आरोपी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रखे हैं जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन ऑड वन आउट की अगर बात किया जाए सौरभ, तो सागर शर्मा ही उसमें, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई है वो बामुश्किल 10th तक हुई है, उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सोशल मीडिया पे जरूर एक्टिव रहता था, लेकिन कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसने नहीं दिया था। ऐसे में बाकी सारे आरोपियों का प्रोफाइल तो मैच करता है, लेकिन सागर शर्मा इन सारे लोगों में ऑड वन आउट है। तो ऐसे में एजेंसीज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सागर शर्मा को आखिर इस घटना को अंजाम देने के लिए क्यों चुना गया। यही वजह है कि एलआईयू, लोकल पुलिस और एटीएस इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है, ताकि असल मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच सके और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके।